गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का। वैसे पता ही है आप लोगों को, कल हम पालम एयरपोर्ट बोर्ड की तरफ गए थे, आज उस तरफ नहीं गए और आज चेतन भी नहीं आया क्योंकि सब फास्ट है, थोड़ा वीकनेस फील कर रहा था। कितने का भाई आप अकेले हो? अकेले आए हो और आप नवरात्रों के बाद ही आप लोगों से मिलना हो बस। तो यह है भाई, अभी हम ट्रैकिंग एरिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम पीछे अभी आए थे कुछ दिन पहले भी, लेकिन वो दूसरी तरफ से मैं आप लोगों को लेकर आया था। जैसे आप लोगों को पता ही है, बागडोरा की तरफ से जब निकले थे तो वहाँ पे रास्ता बन रहा था, तो आज भी आए हैं दूसरी तरफ से। देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा रोड ख़राब ही है, पर देखते हैं कि छत खुला होगा, नहीं होगा तो वापस आना पड़ेगा हम लोगों को। तो भाई सब हाँ तो गए हैं, अभी मुझे डाउट लग रहा है कि शायद आगे से रास्ता बंद होगा। तो भाई कुछ ऐसा व्यू है सुबह सुबह यहाँ का, देखो भाई कोई भी इस तरफ आता जाता दिखाई नहीं दे रहा भाई अपने को। मुझे लग रहा है वापस ही जाना पड़ेगा इस तरफ से मुझे। खैर कोई नहीं, देखते हैं, खुला मिल गया टाप जाएंगे, नहीं तो वापस हो जाएंगे। और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुश्किल ही लग रहा है, हो सकता है निकल भी पाए। ओहो, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई है। तो अभी देखते हैं, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं पैदल और शायद निकल जाएं आगे तक। यहाँ से उतरने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आगे से बंद है, तो इसलिए नहीं जा पाए तक। तो वहाँ से हम वापस ही जा रहे हैं अभी, तो देखता हूँ शायद आगे से कोई कट होगा तो दूसरी तरफ से घूम के हम लोग आते हैं। और यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को व्यू और चेक करा देता हूँ भाई। यहाँ पे जो है अभी बोर्ड लगा हुआ अपना सेक्टर 8 का, बागडोला विलेज का जो है बस स्टैंड है भाई यहाँ पे ना। तो ये वही है बागडोला गांव, ये पूरा पिछली बार हम दूसरी तरफ से अंदर आए थे, इस बार इस तरफ से आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है, तो भाई ये साथ में जो है अपना ये पार्क है, इसके अंदर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग तो करते ही हैं, साइकिलिंग भी इसमें अलाउ है इस पार्क के अंदर। ये देखो भाई बहुत बड़ा पार्क है भी। तो भाई सुबह जब चेतन को फ़ोन किया मैंने घूमने के लिए, चेतन कहता भाई नवरात्र के बाद ही चलेंगे, और फिर मुझे भी थोड़ा सा आलस आने लग गया सुनते ही कि यार नींद से आने लगी। मैंने कहा नहीं यार, अभी जो रूटीन बना हुआ है उसको बिगाड़ेंगे नहीं, मैं अपना तैयार हुआ और साइकिलिंग के लिए निकल गया। खैर कोई नहीं, तो 4 दिन की बात है कि फास्ट पूरे हो जाएंगे, फिर हम लोग फिर से साथ चलेंगे। तो भाई सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू है, देखो कोयल की आवाज़ आ रही है बहुत प्यारी, और ये हम घूम रहे हैं। तो भाई अभी हम जो है सेक्टर 19 और 20 की क्रॉसिंग वाला रोड है, रोड का नाम यही है भाई, अभी हम उस रोड पे घूम चल रहे हैं। यहाँ पे मेन रोड है ये, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है भाई, और उजाला भी अच्छा खासा हो गया। तो भैया देखो गन्ने लाद के ले जा रहा भाई सुबह सुबह। तो आज भाई मैं साइकिल थोड़ी तेज चला रहा हूँ, कल के मुकाबले कल थोड़ा सा तेज़ चल रहा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज मैं साइकिल तेज चला रहा हूँ, स्पीड में चलाने से पर ठीक है, तेज चलाना भी ज़रूरी है, स्टैमिना बढ़ाना है, तो थोड़ा तेज भी चलाना। तो भाई आगे से हम लेफ्ट जाएंगे, ये गांव का नाम है पोचनपुर, तो यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे अभी और सीधा अपना नजफगढ़ के लिए ये रोड अंदर अंदर निकल जाता है। नजफगढ़ जाने के लिए काफ़ी कट है हमारे द्वारका में, ये भी एक रोड है इसमें से,
और ये हम मुड़ गए हैं ओचनपुर के लिए। तो भाई आज सांस भी फूल रही है। तो ये पोचनपुर गांव है। वही है द्वारका 23 की मार्केट थी और साथ में ये सीएनजी पंप है सेक्टर 23 में सीएनजी भरवा लीजिए। और हम निकल रहे हैं सेक्टर 23 का। अब यहाँ से हम जो है अपना सीधा जाके आगे रेड लाइट से लेफ्ट हो जाएंगे सेक्टर 9 के लिए। भाई यहाँ पर का व्यू काफ़ी अच्छा है और अभी यहाँ ट्रैफिक भी नहीं है भाई, खाली रोड एकदम। तो भाई अभी पानी पीने के लिए रुका था और ये है अपना प्लस सिटी मॉल वर्धमान। ये मार्केट है भाई, यहाँ भी मॉल की कुछ ऐसी यहाँ पे पीछे दिखाया था वहाँ पे वही सेक्टर 23 की मार्केट में आता। ये भी कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। अब भाई अभी पानी पीने के लिए रुका था तो पानी पी लेते हैं पहले भाई एक बार। तो भाई अभी पानी पीने के लिए रुका था, पानी तो पी लिया लेकिन भाई इतनी ज़बरदस्त गर्मी लगी, पसीना हो गया पूरा, टी शर्ट पूरी फीक गई अंदर यार रुकते ही। अब चलाओ तो थोड़ी सी हवा लगने लगी तब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो चलो भाई कुछ यहाँ का भी कुछ ऐसा है सेक्टर 23 के अंदर। ये देखो भाई ये वेदांता के नाम से बिल्डिंग बनी हुई है और ये गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्कूल। तो चलो भाई अब यहाँ से हम जो है लेफ्ट हो जाएंगे अपने घर की तरफ। तो भाई पूरा ना राउंड ट्रिप मार दी आज मैंने, अपने घर से गोल ऐसे घूमता हुआ आया हूँ और ये पूरा राउंड ट्रिप बना दिया भाई आज मैंने। और ये भाई देखो इसका मार्बल मार्केट है ये अपने साइड साइड में। और ये पार्क देखो कितना अच्छा है, अभी यहाँ बन ही रहा है भाई, काम चल रहा है ना अभी, तो जल्दी तैयार हो जाएगा तो पब्लिक के लिए खुल जाएगा ये। तो भाई यहाँ से करीबन अभी 3 से 4 किलोमीटर और रह गया होगा और टोटल आज हमने जो चला देनी है जो चल चुकी होगी अभी तक जो है करीबन 16 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर और रह गया है, 20 किलोमीटर आज का सफ़र हो जाएगा। तो आज भाई ना धूल वाला मौसम है तो धूल धूल से फिर गई है, आँख में धूल भर गई है, इसकी वजह से मिट्टी जो वाला मौसम हो जाता है ना वो हो रखा है भाई फिलहाल। तो अभी हम भी पहुँच गए अपने घर के पास वाले रोड पे और सूर्य देव भी निकल गए, यहाँ से दिखाई नहीं दे पा रहे पेड़ हैं थोड़े से, तो ये आगे से एक बार आप लोगों को दिखा दूँगा। तो भाई अभी है ना हर बार हम जो है ना उस रोड से निकल जाते थे मेन रोड से, आज मैंने सर्विस रोड का इस्तेमाल कर लिया इस तरफ से ना, आगे ट्रैफिक की वजह से साउंड नहीं आता है कुछ बोलने थे पता नहीं चलता है, तो इसलिए सर्विस रोड का इस्तेमाल कर लिया मैंने। तो लो भाई टाइम हो गया 7:45 का और सूर्य देवता भी निकल गया। तो भाई यहाँ से मैं दिखा दूँगा सूर्य देवता जी, तो भाई ये दिख रहा होगा थोड़ा सा फिर। तो भाई 20 किलोमीटर हम चल चुके हैं, पहुँच चुके हैं अपने घर के पास। तो भाई आज के सफ़र में इतना ही था भाई दिखाने के लिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।